हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल लेबर टेक्स स्वागत। तो एक बार फिर हम जॉब को नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं जो निकला हुआ आपका ICMR NIV में, दैट मींस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ये जो है आपका वैकेंसी निकाला गया। ये जो वैकेंसी आपका किसी कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोग्रामिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसी पे जो है आपका ये वैकेंसी निकाला गया, जिसमें कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब असिस्टेंट एंड अदर पोस्टों की टोटल वैकेंसी है। देखते हैं हम आगे बढ़ के इस PDF के माध्यम से देखेंगे क्या क्या वैकेंसी रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ये सारे डिटेल्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ICMR NIV, ठीक है, जिसमें कि आपका प्रोजेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है और कब रिलीज किया गया, 14/4/2022 को ये रिलीज किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ से है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है ICMR, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अटेस्ट हेयर विथ फॉर फॉलोइंग टेम्पोरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोजीशन फॉर एड हॉक रिसर्च प्रोजेक्ट ICMR NIV मुंबई यूनिट थ्रू रिटर्न एग्जामिनेशन या पर्सनल डिस्कशन विच विल बी कम्युनिकेटेड लेटर। बोला गया है आपको जो है ये जो है इसमें जो है फॉर्मेट दिया हुआ है एप्लीकेशन का, उसके द्वारा जो है आपका अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करके, ठीक है। और इसका जो है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा या तो इंटरव्यू होगा, क्या दोनों में से क्या होने वाला है ये जो है आपको लेटर मैंने बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। बोला गया तो एप्लीकेशन विदाउट इंक्लूजर इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट शुड रीच अस थ्रू गूगल फॉर्म लिंक, ये जो है गूगल फॉर्म के थ्रू जो है लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करके, वहाँ पर स्कैन करके जो भी है सपोर्टेड डॉक्यूमेंट के साथ उसको वहाँ पे आप अपलोड कर देना पड़ेगा, ठीक है। और जो सारा डिटेल्स जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको देना पड़ेगा। और ये जो है एट फर्स्ट आपको इनिशियली जो है 6 मंथ्स के लिए रखा जाएगा, ठीक है, फिर बाद में जो आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बाद यहाँ पर लिखा है एक्सटेंड फर्दर एज पर द रिक्वायरमेंट या एक्सटेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ पे पोस्ट क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहला पोस्ट है कि रिसर्च एसोसिएट 3 के लिए जो है एक ही पोस्ट है, जिसमें 40,000 सैलरी है प्लस HRA दिया गया, ये जनरल कैटेगरी का है, आप भर सकते हैं सभी लोग। प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, इसको लैब टेक्नीशियन बोला गया है, 18,000 सैलरी मिलने वाला, टोटल एक पोस्ट है। ये जो पोस्ट है ये आपका SC के लिए है और ये भी जो है प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है, किस प्रोजेक्ट के लिए आपको काम करना है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट का एक पोस्ट है, 31,000 सैलरी मिलने वाला है, ये भी जनरल का पोस्ट है। इसके बाद चार में डाटा एंट्री का ऑपरेटर का है Grade 1 का। और इसके बाद जो है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन Grade 3, 18,000 सैलरी मिलने वाला, एक ही पोस्ट है, टोटल जनरल कैटेगरी का रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, किस प्रोजेक्ट के तहत आपको काम करना है, ठीक है। इसके बाद जो है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन Grade 2 का है, ठीक है, जिसमें कि टोटल एक ही पोस्ट है और टोटल सैलरी जो है 17,000 मिलने वाला है, OBC का ये पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नीचे जो दिया गया है इसको नोट में कुछ पॉइंट दिया गया, आप इसको डिटेल्स जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर आपको हम उसका जो है सोल्यूशन बताएंगे। नीचे दिया गया है आपका किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दोनों दिया गया और एज लिमिट भी साथ ही साथ दिया गया, जिसमें कि प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए जो है आपका यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है लगने वाला है, और डिजायरेबल भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यदि है तो आपके लिए बेटर है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपको लगेगा ही लगेगा। और इसका मैक्सिमम जो एज लिमिट है 30 ईयर्स का दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 2 का भी दिया है, यहाँ पे सैलरी जो पता ऊपर बताया दिया आपका, इसका एज लिमिट जो है 28 ईयर्स का है, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया आपको क्या लगने वाला है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, इसको भी आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यदि पूरा बताएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप इसको डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। और इसका लिंक जो है हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अपलोड होने के 1-2 घंटा बाद, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लेबर टेक्नीशियन एंड BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। धन्यवाद।